हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो और प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार हो। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महिमा और स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, सच मुच में जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और एक आपको गवाही बताना चाहती हूँ, एक सिस्टर की गवाही, कि कैसे परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में अद्भुत कामों को किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति। सिस्टर बताती कि मैंने सबसे सहायता मांगी लेकिन कोई भी आया नहीं मेरी सहायता करने के लिए, कोई भी नहीं। हालेलुया, यदि कोई बोलता था हाँ हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम तुम्हें पैसे से मदद करेंगे, लेकिन वो क्या करता था, वो बोलता था कि आप ऐसे काम करो, ये गलत काम करो, तभी हम क्या करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। हालेलुया, लेकिन उसने क्या किया, मैं पवित्रता में बने रहूंगी। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद हालेलुया क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया। परमेश्वर ने डिवाइन, हालेलुया, उसके घर में, उसके जीवन में क्या डिवाइन हेल्पर और ईश्वरी मददगार उसके जीवन में, जो उसको जानती नहीं थी ना पहचानती थी, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, वो भी 40,000 रुपए के साथ, न जान न पहचान न कुछ। और वो कह रही थी कि मैं वापस कर दूंगी, तो कहते कोई जरूरत ही नहीं है, जब आपका मन करे तो दे देना, नहीं होगा होगा तो दे देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो देखो ऐसा परमेश्वर हमारा अद्भुत कार्य करने से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज बेटे का ऑर्डर। एक भाई वो बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि इतने साल से हमेशा उसको टाइफाइड होते रहता था, लेकिन जब वो बताते मुझे करीब 1 साल हो गया और मैं वचन को सुन रहा हूँ और प्रार्थना भी कर रहा हूँ, सचमुच में परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, जो प्रभु के निकट आता है परमेश्वर से पूर्ण रीति से छुटकारा और चंगा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, जो लगातार प्रभु में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं हर एक परिस्थिति में भी, तो प्रभु ने क्या करता है, उसे चंगा करता है, उसे छुटकारा देता है। हालेलुया, बहुत सारी गवाहियां, जो इतनी गवाहियां आ रही, इतनी गवाहियां हमारे पास ही टाइम नहीं कि हम उसको डाल नहीं पा रहे, लेकिन इतना परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। और आप भी अपने जीवनों में गवाहियों को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अभी देख रहे हो अभी क्या चल रहा है, ये सब क्या है, ये चेतावनी है जो भी आप देख रहे हो, क्या है, चेतावनी है। हालेलुया, अंत के समय का ये चिन्ह देख रहे हो, ये अंत के समय का चिन्ह क्या है, कि क्या होगा जब हम लुका रुचि सुसमाचार पढ़ते हैं। हालेलुया, पढ़ेंगे उस वचन को 21 अध्याय में। सभी अपनी बाइबल को खोलें, मैं चाहती हूँ कि सभी अपने बाइबल को खोलें और पढ़ें परमेश्वर के वचन। हालेलुया, डरना नहीं है और घबराना नहीं है। हालेलुया, विश्वास करो तो महिमा को देखोगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। लुका रुचि सुसमाचार में जाए सभी लोग। हालेलुया, 21 अध्याय, हम 21 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। लुका रुचि सुसमाचार 21 अध्याय उसका 10 वचन से। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे, बंदीगिरी में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि क्या होगा, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और महामारियां आएंगी, और ये सब क्या, परमेश्वर के आगमन का चिन्ह है। जब 8 वचन पढ़ते हैं, उसने से कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ। हालेलुया, यहाँ पर एक और बात कहता है कि भरमाए न जाओ,
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और यही बात हम देख रहे हैं, हालेलुया, राज्य राज्य पर चढ़ाई हुआ, ये उसके ऊपर अटैक किया, वो उसके ऊपर अटैक किया। हालेलुया, आपने जो लोग न्यूज सुनते हैं उनको पता कि कैसे कैसे चढ़ाई हुआ, वो देश उसके साथ लड़ रहा है तो वो देश उसके साथ लड़ रहा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई होगी, अकाल पड़ेंगे। हालेलुया, क्या पड़ेंगे? अकाल पड़ेंगे, भुखमरी होंगी, महामारी आएंगी। और महामारी का आना तो स्टार्ट हो चुका है, देखो पहले भी आए हैं। कौन कौन सी आई थी महामारी? स्वाइन फ्लू आई थी, और क्या आया था, और क्या क्या महामारी आई थी, वो प्लेग आया था, इबोला आया था, और ये जो महामारी आई है देखो, ये जो कोरोना वायरस का जो नाम दिया गया, इतना जो भयंकर है, जो जो डरा देता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को देख डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं डरेंगे, अचानक के पति सब नहीं डरेंगे, ना घबराएंगे, क्योंकि ये तो बाइबल में पहले से लिखा गया है कि ये सब होगा। हालेलुया, अंत के समय का ये वार्निंग चेतावनी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और क्या लिखा है? बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह काल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर और बड़े बड़े बातें क्या होंगे, चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु यीशु की स्तुति। वचन पढ़ेंगे हम उसकी किताब 8 अध्याय उसका 3रा वचन, और आज आप यही देख रहे हो, देखो कैसे सारे ये दर्शन ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और अब देख रहे हो शवों का ढेर लगा हुआ है, वो फेंक दिए जा रहे हैं। वो कैसे, मतलब शवों को डालने के लिए भी करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। देखो कैसे सारी ये बातें पूरी हो रही है, प्रभु यीशु की स्तुति हो। और ये सब क्या, ये वार्निंग है और ये चेतावनी है। हालेलुया, इसलिए आप पूरी रीति से परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं अमोस की किताब 5 अध्याय 4 वचन में, यहोवा इसराइल के घराने से यो कहता है कि मेरे खोज में लगो तब जीवित रहोगे, तब आप जीवित रहोगे, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। प्रभु का धन्यवाद। 14 वचन पढ़ते हैं, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ, जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। आज देख रहे हो लोग बचने के लिए कितना कुछ क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन सब फीका पड़ रहा है। हालेलुया, देखो कैसे विद्वानों की विद्या काम नहीं आती, जो अपने पैसे पे, जो इतना बड़ा जो कंट्री था जिसका नाम ही मशहूर है मेडिकल के लिए, आज वो भी वो सफल नहीं हो पाया। मतलब कह सकते हैं कि मतलब एक वैक्सीन जो उसके लिए वो परफेक्ट मतलब पूर्णतः तैयार नहीं हो पाई। हालेलुया, मतलब कि बचा सको, चलो वैक्सीन लगा दो तो बच जाएगा, ये काम भी नहीं, फिर से वही काम शुरू हो रहा, फिर से दोबारा वही काम शुरू हो रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। फिर से वही काम, मतलब कोई काम नहीं आ रहा। जो लोग कहते थे, जो लोग कहते थे विज्ञानी सब कुछ है, साइंसी सब कुछ है, डॉक्टरी सब कुछ है। हालेलुया, ये मैं नहीं कहते कि डॉक्टर कुछ नहीं करता, करता है, लेकिन आज देखो परिस्थिति, देखो परमेश्वर के सामने तो सब कुछ फेल है। जो प्रभु को भूल गए हैं उसके लिए सब कुछ फेल है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु का नाम लेगा, जो प्रभु पर भरोसा रखेगा, वो बचा रहेगा, वो जीवित रहेगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। देखो आज हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि जो जो भविष्यवाणी की गई है वो सब कुछ पूरा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से। हालेलुया, सारे इसके जो पूर्व की जो थी वो सब कुछ कंप्लीट पूरा हो रहा है। हालेलुया, देखो ये भी एक भविष्यवाणी थी कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को यशायाह की किताब 7 अध्याय 14 वचन में। हालेलुया, यीशु मसीह के जन्म से पूर्व ये 700 साल पहले ये क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले ये भविष्यवाणी होती और ये पूरी हुई। हर एक घटना, हर एक भविष्यवाणी वो पूरी होती देखी जा रही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। देखो सारा कुछ पूरा हो रहा है, इसलिए ये चेतावनी है, ये वार्निंग है। पूर्ण रीति से परमेश्वर के निकट आ जाइए, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर तरफ चर्चा है, हर तरफ यही है, ये वायरस आ गया, ये कोरोना आ गया, और पता नहीं इससे क्या क्या भयंकर भयंकर बोल रहे हैं कि इससे भी बड़ा कोई वायरस आ चुका है, और इससे ज्यादा और क्या क्या होने वाला है। अब वचन को पढ़वा, सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या होने वाला है। यहाँ तक कि जो WHO ने इस बीमारी को क्या किया,
ये पहले बीमारी था, बाद में इसे क्या घोषित कर दिया गया, महामारी घोषित कर दिया गया। एक कंट्री में नहीं, हर एक कंट्री में ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। जो लोग कहते थे नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है, नहीं साइंस ही सब कुछ कर सकता है, इसने तरक्की हुई है, आज सब कुछ क्या देख रहे हैं, वो सब कुछ फेल होकर नजर आ रहा है। कई कहते थे, कई लोग कहते थे कि परमेश्वर तो है ही नहीं, प्रभु तो है ही नहीं। हालेलुया। क्या कहते थे, परमेश्वर तो कोई है नहीं। जो लोग कहते कि नास्तिक है। हालेलुया। आज देखो अब वो बेड पे पड़ गया है, कोरोना वायरस की चपेट में आ गया, अब बोल रहे कुछ तो हो जाए, ओ बचा ले। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। आज मुझे सारी बातें याद, कैसे जो कहते थे प्रभु तो कुछ नहीं होता, आज ढूंढ रहे हैं, आज ढूंढ रहे कुछ तो हो, कुछ तो चमत्कार हो। और आपने देखा कि कितनी सारी गवाहियां भी आई हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो कोरोना वायरस से जो जकड़े हुए थे कैसे परमेश्वर ने चंगा किया। सी कोरोना वायरस ही नहीं, जो जो बीमारियों से जकड़े हुए थे, हाले हर एक बीमारी से हालेलुया आप फतह पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने फतह पाया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आप देख रहे हैं हमारी ये सब चेतावनी है, वार्निंग है, इसलिए आप परमेश्वर के पास आ जाओ। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं दानियल की किताब में, तो दानियल जो था प्रभु में बने रहा, अड़े खड़े रहा, और इसलिए प्रभु ने उसे विजय दिया। परमेश्वर ने क्या किया, उसको क्या किया, उसे जयवंत बनाया। सिंहों के मांदों में डाल दिया गया था, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर प्रबल नहीं होने पाया। लास्ट में वचन पढ़ते हैं छठवें अध्याय का लास्ट लाइन में कि सुख चैन से रहा दानियल। प्रभु यीशु की स्तुति हो। जो प्रभु पे भरोसा रखता है, जो प्रभु को अपने जीवन का आधार माना है, वो जीवित रहेगा, वो सुख और चैन और शांति से रहेगा। वो देखेगा अपनी आंखों से, अरे ये आ गया, ये वायरस आ गया वो, लेकिन उसके जीवन में कोई हानि नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो शांति से रहेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को पवित्रता के समर्पण करें, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे पूर्ण रीति से पवित्र कर, शुद्ध कर। जब हम लय व्यवस्था की किताबें पढ़ते हैं, वहां पर दिख बताया गया कि आपको क्या क्या करना है। वहां पहले व्यवस्था चलती थी कि ऐसे करना है, ये जिसको रोग लगा है तो ये बाहर रहे, छावनी से ये रहे। हालेलुया। इसके लिए अलग सब कुछ हो, सात दिन तक ये रहा करें। यहाँ पर ये बात, ये परमेश्वर का जो ये जो वचन जब पढ़ते कि क्या क्या लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं लय व्यवस्था की किताब 15 अध्याय में, हम पढ़ सकते हैं इस वचन को। हालेलुया। कि इस तरीके से क्या करना है, अलग रहना है, सात हफ्ते तक आपको ये करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर, मन फिराए और प्रभु के पास लौट आए। उनसे डरो जो जो शरीर को मार सकता है पर आत्मा को मार नहीं सकता। उनसे मत डरना पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 10:28 वचन में पढ़ सकते हैं। प्रभु आज आपसे क्या चाहता है, प्रभु चाहते हैं अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, चिंता ना करें। हालेलुया। यदि पाप में है, अपने आप को बोले परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। बोले परमेश्वर मेरे पापों को पूरी रीति से शुद्ध कर दे, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, तेरे पीछे पीछे चलने के लिए मेरी अगुवाई करके प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया जिसका नाम यीशु मसीह है, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ऐसे प्रकाशित वाक्य 12 वचन में क्या लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। मसीह प्रभु भाइयों बहनों, हम सभी अंत के समय में आ चुके हैं और अब देख रहे हो, चिन्हों को देख रहे हो, ये सब पूरा हो रहा है। इसलिए आप परमेश्वर के निकट आ जाओ, प्रभु के पीछे चलने के अपने जीवन को समर्पण करो, गंदगी चीजों को छोड़ दो, मन फिराओ, प्रभु के पास लौटो, पूर्ण रीति से आ जाओ, दोनों में पैर रख के मत चलो। हालेलुया। एक ही उद्धार करता, उसका नाम यीशु है। हाले उसी में जीवन है, उसी में छुटकारा है। अपने कामों को, हाले जो भी गलत कामों को छोड़ दो, व्यभिचार को छोड़ दो, व्यभिचार के पापों को छोड़ दो। हालेलुया। मूर्ति पूजा को छोड़ दो, जिसके आगे अपने सिर को झुकाते छोड़ दो, तब आप जीवन पाओगे। हालेलुया। जीवित रहोगे आप। प्रभु का वचन क्या लिखा है, तब तुम जीवित रहो। आज परमेश्वर की में चलने के लिए फैसला लो, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हमारा परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, 10:28 वचन में क्या पढ़ा, बती रचित सुसमाचार में, परमेश्वर से डरो जो सबको घात कर सकता है, जो नाश कर सकता है, वही परमेश्वर तो जीवन भी देता है। वो आपको जीवन देने गया है, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए है। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर, हर एक महामारी से लोगों को बचाना, हर एक कोरोना वायरस से बचाना। ओ लॉर्ड जीसस,
यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में क्या है, हालेलुया, यीशु के लहू में छुटकारा है, जीवन है। आज वो यीशु के लहू से धुल जाए, बोलो परमेश्वर अपने लहू से मुझे धोते, मुझे शुद्ध कर दे, बोलो परमेश्वर मेरी आंखों का देखने को पवित्र कर दीजिए, मेरे मुंह को बोलना को पवित्र कर दीजिए, मेरे कानों को सुनने को पवित्र कर दीजिए, मेरी अंतरात्मा को पवित्र कर दीजिए, मेरा हृदय को पवित्र कर दीजिए, मेरे पैरों के मार्गों को पवित्र कर दीजिए, मेरे हाथों के कर्म को, मेरी अंतरात्मा को, मेरे माइंड को पवित्र कर दीजिए, मेरे विवेक को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद रब, शुद्ध डबे के तेरे डबे के तेरे डबे शुद्ध डबे के तेरे। ओ लॉर्ड जीसस, अपने लहू से धोते, पवित्र करते, शुद्ध करते, अनिग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा मैं पिता परमेश्वर, मैं हर एक जनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, प्रभु मदद कर, सहायता कर, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दे हर एक एक लोगों को परमेश्वर पिता। आज जो दर्दों में है, जो बीमारियों में है, जो समस्याओं में है, जिनको कोरोना वायरस है, जो महामारी से है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबकतिरा इसी वक्त हर एक बीमारी को डांटते आपके जीवन से जाए। हालेलुया, जो हॉस्पिटल में है, जो अपने घरों में है, जो बेड में है, जो पैरालाइज्ड है, रबा कब तो गड़ा बशन तेरा डबे के तेरा डबा कब तेरा। ओ लॉर्ड जीसस, अपने हाथों को वहां बाहर रखे। ओ रबा कब तेरा डबे शन तेरा डबे के तेरा डबे कब तेरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के समर्थ नाम में हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में। रबा कब तेरा डबे शन तेरा डबे के तेरा डबे कब तेरा डबे शन तेरा डबे के तेरा। ओ मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबा कब तेरा डबे शन तेरा डबे के तेरा डबे कब तेरा। प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा मैं पिता परमेश्वर। हर एक एक जनों का प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं प्रार्थना करती जो कोरोना से, हालेलुया, जो इन्फेक्टेड है, प्रभु यीशु के समर्थ नाम में चंगे और आजाद हो जाओ। जीवन से जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डरते रहे स्पिरिट आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्टात्मा आपके जीवन से जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोरोना वायरस से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक महामारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते स्पिरिट हर एक दुष्टात्मा आपके जीवन से जाए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते चंगे हो जाए। हर एक बीमारी, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपके पेट में कोई रोग की समस्या हो, मैं प्रार्थना करती हूँ। यदि आपके पूरे बॉडी में दर्द हो, यदि कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई पेट में, यदि किडनी में, यदि पेट में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थ में आजाद हो जाएंगे हो जाए। हर एक कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते हैं माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते हूँ चंगे हो जाए। ओ रबक तेरा, मैं प्रार्थना करती हूँ जीसस, दया कर दे राजा। ओ रबक तेरा, मैं प्रार्थना करते बीमारी आपके जीवन से जाए, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबक तेरा, बोलो परमेश्वर मैं पवित्रता में चलूंगा। ओ रबक तेरा, मैं प्रार्थना करते स्पिरिट जब के जीवन में कार्य करती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्टात्मा से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आपके सर से लेकर पांव तक बीमारी से आजाद हो जाए, हर यीशु के सामर्थ्य नाम, हर एक बीपी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती भला चंगा और हष्ट पुष्ट होकर बदल जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त हर एक बीमारी अपने जीवन से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबक तो रला बशन तेरे लिए बेकते, मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ परमेश्वर हमें लहू से धोते, अनंत जीवन की घोषणा करते इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं उद्धार की घोषणा करती इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने बच्चे बीमार चंगे हो जाए, रबक तो रला बशन तेरे लिए बेकते, रबक तेरे रबक तेरे बशन तेरे लिए बेकते, रबक तेरे प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, पूरी रीति से आपने आजाद करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो कर्ज में दबे फंसे आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते बंद बिजनेस खुल जाए, आपकी नौकरी को ब्लस करते, आपके कामों को ब्लस करते यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद रब का तू रब शांतर लेवे के तेरा रब का। प्रभु चंगा कर दिया, प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु जय प्रदान किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर
उत्तर दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति और आपकी तारीफ हो। ओ रब शंतेर लेबे के तेरा नमानी रब कतुर रब शंतेर लेबे के तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ वैसी वक्त हर प्रकार के रोग और समस्याएं से जात हो जाए, इसी वक्त हर एक बीमारी आपके जीवन से जाए, आपके घर से जाए, आपके घराने से जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी ही रब डिलीवर। मैं प्रार्थना करते जाते चंगे हो जाए, प्रभु छुटकारा दे दे, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक कर्ज से जाते हो जाए, परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करके दे, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए आपके जीवन में। हालेलुया, आत्मा में डे बाय डे बढ़ते जाए, प्रभु के वचन में डे बाय डे बढ़ते जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक नशा से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा देते, धन्यवाद करते हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते, पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, परमेश्वर पवित्रता का आत्मा दे, पवित्रता का जीवन दे, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, के पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना। हालेलुया, और गवाही के साथ वापस आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु प्रार्थना का आत्मा देना। हालेलुया, प्रभु वचन को मेडिटेट करने के लिए, रीड करने के लिए अनुग्रह देना। हाले भले स्वस्थ हस्त पुष्ट रहने के लिए अनुग्रह देना प्रभु जी। हाले लोहिया, आपके आगे कार्यता में बने रहने के लिए अनुग्रह देना। आपका पहला प्रेम से भर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनना, धन्यवाद करती हूँ। आप जल्द आने वाले इसके तैयार कीजिए, और आज भी आपका मनोने से हम सब इस महीने में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पद से मांगते सुनो, कबूल कर दीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हाले लोहिया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। अपनी गवाही को देना ना भूले, और जो भी हमें प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोग छुटकारा प्राप्त कर सके अपने जीवन में और उद्धार प्राप्त कर सके। अपनी भेंट, अपनी टैक्स की अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं, अपने दशमांश को, अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को बोल सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, जो सुबह शाम की प्रार्थना होती है रोजाना सुने और आशीष पाए। हालेलुया, मेरे लिए प्रार्थना करें लगातार, मेरे परिवार के लिए, ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहे, और डे बाय डे बढ़ते जाए प्रभु में। आप सभी लोगों को जय मसीह की।